हाय फ्रेंड्स, मैं शुभ सक्सेना। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम बहुत बेहतरीन गेम है जो खेली गई थी गैरी कैस्परोव और हॉर्ट वेस्टमिल के बीच, जो एक रशियन ग्रैंड मास्टर है। और फ्रेंड्स, ये गेम कोलोंगन 1988 की अराउंड वन की गेम है। और फ्रेंड्स, इस गेम में गैरी कैस्परोव की रेटिंग थी 2760, वहीं वेस्टमिल की रेटिंग थी 2595। तो आइए फ्रेंड्स, इधर इस गेम को शुरू करते हैं। गेम की शुरुआत करिए हॉर्ट ने d4 के साथ, तो मैं f6, नाइट f3, g6, d5, c3, d5, बिशप f4, लंदन सिस्टम, बिशप g7, e3, और हमने ब्लैक ने कैसल किया, बिशप e2, बिशप g4, h3, बिशप पर अटैक, तो बिशप टेक्स f3, बिशप टेक्स f3, c6। यहाँ वाइट ने डीकोन डिफेंस किया, तो यहाँ वाइट ने कैसल किया, नाइट डी गोज़ टू d7, क्वीन d8 विद e8 ऑफेंस। यहाँ गैरी कैस्परोव इस की पॉन को आगे पुश करना चाहते थे, तो f गोज़ टू d1 देन क्वीन b6, b2 पॉन पर अटैक, तो a4। यहाँ वाइट ने इस डी पॉन को नहीं बचा। ऑफेंस क्या यहाँ पर b2 पॉन डी ले सकता है, अगर ब्लैक करता है क्विंटेक्स बी टू, तो उसके बाद रुक ए गोज़ टू b1, a3, और रुक b3 के बाद ये क्वीन यहीं पर ट्रैप हो जाएगी। तो फ्रेंड, इसी यहाँ से ये b2 पॉन तो नहीं लिया सकता, तो हाँ गैरी कैस्परोव ने किया था a5, तो नाइट का e2 स्क्वायर, e5 बिशप पर अटैक, रीटेक्स e5, रीटेक्स e5, बिशप टेक्स e5, रुक टेक्स e5, नाइट d4, नाइट e4, क्वीन पर अटैक, तो बिशप टेक्स e4, रुक टेक्स e4, c3। अपने नाइट पर थोड़ा डिफेंस और किया, तो रुक ए गोज़ टू e8। यहाँ गैरी कैस्परोव ने रुक की पैट भी तैयार करी, तो रुक ए गोज़ टू b1। और फ्रेंड्स, यहाँ पैट की इंटेंशन इज b4 पॉन को आगे पुश करना, h5। और फ्रेंड्स, यहाँ से गैरी कैस्परोव ने अपना अटैक लगाना शुरू किया, क्योंकि अब दो पॉइंट्स को क्वीन साइड आगे पुश करना। राइट ने अपने पैन के हिसाब से काम किया b4, तो क्वीन को c7 से, f3, तो क्वीन e7। फ्रेंड्स, अभी जी पॉन यहाँ ब्लैक पुश करना चाहता है, क्वीन b3, g5, नाइट d2 रुक पर अटैक, तो रुक गया e6 पर, देन नाइट f1, h टेक g4, h टेक g4, g3, क्वीन गई g5 स्क्वायर पर। फ्रेंड, यहाँ क्वीन के g5 स्क्वायर आने के बाद ये क्वीन h5 स्क्वायर पर आने के बाद h3 स्क्वायर पर आने वाली है, क्वीन का g2 स्क्वायर, क्वीन h5। और फ्रेंड्स, अब बहुत ने किया था f4, तो इस गेम में काफ़ी बड़ा ब्लंडर था, क्योंकि फ्रेंड्स नाम गैरी कैस्परोव को मार जी टेक्स f3 चेक दे रहे हैं, f2 स्क्वायर पर, देन क्वीन h1। यहाँ ने एफ पॉन पर डिफेंस करते हुए क्वीन को ब्लैक वाइट ने फर्स्ट रैंक में ले आया, रुक गया d2 स्क्वायर पर, देन क्वीन g2 चेक, तो किंग लगाने के से e1 स्क्वायर ही बचा। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूँगा वीडियो को पॉज करें और यहाँ पे ब्लैक के लिए विनिंग मोड होने की कोशिश करें। फ्रेंड्स, c3 है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ब्लैक करता नाइट टेक c3, उसके बाद रुक टेक c3 चेक होगा, क्वीन टेक c3 होगा, देन बिशप टेक c3 यहाँ पर विन हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर यहाँ बैठ करता है क्वीन टेक सी थ्री होने के बाद यहाँ वाइट कर सकता है क्वीन g1। फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर रुक टेक c3 चेक के बाद वाइट ने किया था क्वीन टेक c3, क्वीन सेक्रीफाइस कर दिए थे, रुक टेक c3, नाइट टेक c3, देन क्वीन g1 चेक, नाइट ही बीच में लग सकता है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपसे कहूँगा कि आप फिर से वीडियो को पॉज करें और ब्लैक के लिए विनिंग मोड ढूंढने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स, अगर वो मोड बिशप टेक c3 है, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बिल्कुल ब्लैक ने इस रुक को ही पिन किया। फ्रेंड्स, यहाँ पे वाइट ने एक और बहुत बड़ी गलती करी, उन्होंने किया रुक बी गोज़ टू b2, क्वीन g2 स्क्वायर पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वीन g2 स्क्वायर पर आने के बाद ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, यहाँ पर रेजिग्नेशन की जो वजह है वो ये है कि फ्रेंड्स, अब सपोज यहाँ पे वाइट करता है किंग d1, तो सबसे पहले तो नाइट भी हासिल जाएगा, क्वीन टेक्स f1 होगा, किंग के जाने के लिए c2 स्क्वायर ही बनेगा, देन बिशप टेक्स g2 होगा, किंग टेक्स g2, क्वीन g2 चेक होगा। सपोज किंग c3 स्क्वायर पर आ भी गया, तो वाइट यहाँ पे कर सकता है किंग टेक्स b2 चेक होगा,
किंग टेक बी2 होगा देन एफ पॉन पुश हो जाएगा ऑफ रेंड्स यहाँ पे वाइट सिंपली लूज है ऑफ रेंड्स अगर यहाँ पे एट किंग जी2 के बाद सपोज नाइट डी3 के ऑप्शन को कंसीडर करता है देन बिशप टेक जी2 चेक होगा रुक टेक जी2 होगा तो क्वीन टेक जी3 चेक होगा किंग के जाने की एफ1 स्क्वायर ही हो जाएगा देन एफ2 होगा ऑफ रेंड्स यहाँ पर जी1 क्वीन जी1 की चेक बिल्कुल भी नहीं हो सकती सपोज अवॉइड करता है नाइट सी2 क्योंकि नाइट पर भी अटैक होगा तो क्वीन जी1 चेक किंग ई2 एफ1 एक बार स्क्वीन ऑफ रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स इन्हीं सब कैलकुलेशन के लिए क्वीन जी2 नोट के बाद वाइट में रिजाइन करते हैं फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें शेयर करना मेरे यूट्यूब चैनल चेस डे सब्सक्राइब थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय।